Hello dear friend, welcome to PharmaCon channel. Today I am discussing about the second topic of complexometric titration. In my previous video, I have already discussed about the basic introduction of complexometric titration. पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है और कुछ बेसिक्स बातों के बारे में बात कर चुके हैं जो कि आपका जानना जरूरी था। आपने देखा था कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली आपके तीन प्लेयर होते हैं। सबसे पहला प्लेयर आपका होता है मेटालाइन, जिसको हम सेंट्रल एटम भी बोलते हैं। दूसरा प्लेयर आपका होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो हमारा टॉपिक भी आज का, जो कि कॉम्प्लेक्स बनवाने में मदद करता है, ठीक है, जिसको हम लाइगेंड भी बोलते हैं। और आपका तीसरा प्लेयर होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर, जिसको हम पीएम इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो हम धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे। मेटल आयन के बारे में जानना ज्यादा कोई डिटेल में नहीं है, बस ये जानना जरूरी है कि मेटल आयन है, लेवाइस एसिड की तरह काम करता है और वो आपका सेंट्रल एटम कहलाता है। थोड़ा जानना आपका जरूरी है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के आपका नाम से ही पता लग रहा होगा कि ऐसा एजेंट या ऐसा सबस्टांस जो कि मदद करता है आपके कॉम्प्लेक्स बनवाने में, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज ए सबस्टांस या इज एन एजेंट विच आर यूज इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन टू कन्वर्ट द मेटल आयन इन टू द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, चिलेटर या चिलोन्स, ये सभी इसी के नाम होते हैं, ठीक है। आपको एक बार लिख के बता देता हूं, जैसे कि हम इसको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आपका ये हो सकता है, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट आपका हो सकता है, चिलेटिंग एजेंट आपका हो सकता है, चिलेटर हो सकता है, चिलेटर हम इसको बोल सकते हैं या चिलोन बोल सकते हैं, ठीक है। लाइगेंड भी बोलते हैं, ठीक है, या लाइगेंड सिक्वेस्टरिंग एजेंट भी बोलते हैं। सभी नाम इसी के ही हैं, इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी कि चिलेटिंग एजेंट क्या होता है। नाउ मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ चिलेटिंग एजेंट। बेसिकली अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो चिलेटिंग एजेंट आपके कोई स्पेशल टाइप्स में क्लासिफाइड नहीं है, ये बेसिकली क्लासिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर बाइंडिंग साइट, ठीक है। आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है चिलेटिंग एजेंट के ऊपर, उसके पास उतनी बाइंडिंग साइट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की थी सी एन माइनस की बात की थी, तो इसके ऊपर एक चार्ज है, यानी कि बाइंडिंग साइट एक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका डाइईथाइल एमाइन हो सकता है, जिसके ऊपर बाइंडिंग साइट दो है। आगे हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जितनी बाइंडिंग साइट होती है उसी के बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाइड किया है, ठीक है। बाइंडिंग साइट का मतलब है बेसिकली साइट ऑफ अटैचमेंट, कि कहां से वो अटैच कर रहा है मेटल आयन के साथ में। तो यहां पे लिखा भी है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड या चिलेटिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइट ऑफ अटैचमेंट टू द मेटल आयन, मेटल आयन से अटैच होने वाली साइट कितनी है, इसी के बिहाफ पे हमने क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला टाइप होता है यूनिडेंटेट, ठीक है, यूनिडेंटेट। इसका दूसरा नाम होता है मोनोडेंटेट या फिर सिंपल लिगेंड। आपको पता लग रहा होगा मोनो और यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि ऐसा लिगेंड या ऐसा आपका चिलेटिंग एजेंट जिसके पास सिंगल साइट हो, वो सिर्फ एक ही साइट से बाइंड कर सकता है मेटल आयन के साथ में, वो आपका कहलाता है यूनिडेंटेट लिगेंड कहलाता है या यूनिडेंटेट चिलेटिंग एजेंट कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, एक साइड से बाइंड कर रहा है, यानी कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका ये सिल्वर आयन है, कोई मेटल आयन है, इसके साथ में सी एन माइनस अटैच कर रहा है, इस तरीके से डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यानी कि एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको पता है एक बॉन्ड को फॉर्म करने में एक अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा जो अभी तक आपके सी एन माइनस में शेयर नहीं किया गया किसी के द्वारा, तो अनशेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका इस डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये बॉन्ड कितने होंगे, एक सिंगल वन। वो बात अलग है कि यहाँ पे दो सी एन माइनस आपके आएंगे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए, लेकिन हम सिंगल एंटिटी या सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिडेंटेट की अगर बात करता हूं तो लिगेंड अटैच्ड टू द मेटल आयन बाय वन साइट या एट वन साइट, जो कि सिर्फ एक साइड से बाइंड करता है। जैसे कि एग्जांपल की बात कर सकते हैं सी एन माइनस, साइनाइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडीन आयन, ब्रोमाइड आयन एंड अमोनिया, इन सभी के पास में एक बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। यहां पे आप देख भी सकते हैं अमोनिया की अगर मैं बात करता हूं तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है,
दो मॉलिक्यूल मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल आयन के ऊपर उसके दो गुने आपको लिगेंड के मॉलिक्यूल लगते हैं या दो गुना आपको बाइंडिंग साइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि यूनिडेंटेट क्या होता है, सिंगल साइड से बाइंड करेगा। दूसरी बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। बाइडेंटेट मतलब दो साइड होंगी, है ना। द लिगेंड अटैच्ड टू मेटल आयन एट टू साइड्स, दो साइड इसके पास में होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बाइंडिंग साइट क्या क्या हो सकती है। बेसिकली अगर कहीं पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एक बाइंडिंग साइट आपकी नाइट्रोजन फॉर्म करेगा। ठीक है, कहीं पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन ये साइड ग्रुप की तरह प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये भी आपके बाइंडिंग साइट की तरह कंसीडर किया जाएगा। देखो नाइट्रोजन के साथ में भी H2 है लेकिन ये बाइंडिंग साइट नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे आपका एसिटिक एसिड लगा हुआ है तो यहाँ पे H है, ये बाइंडिंग साइट की तरह कंसीडर किया जा रहा है, आउटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो। ठीक है, तो यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट हो सकती है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बाइडेंटेट के एग्जाम्पल की तो इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन यानी कि इथाइलिन मॉलिक्यूल है आपका और दो अमाइन ग्रुप है आपके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नाइट्रोजन है तो सिंपल सी बात है दो बाइंडिंग साइट होगी और ये एग्जाम्पल आपका है बाइडेंटेट का, मैंने अभी आपको बताया। तीसरे हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट के बारे में। ट्राइडेंटेट का मतलब है तीन बाइंडिंग साइट होगी, है ना। द लिगेंड अटैच्ड टू मेटल आयन एट थ्री साइड्स, तीन साइड से बाइंड करेगा। एग्जाम्पल की बात करें डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, है ना, तीन अमाइन ग्रुप है और दो इथाइलिन ग्रुप है, जैसे कि एक दो तीन अमाइन ग्रुप हो गए और दो आपके इथाइलिन ग्रुप हो गए। तो यहां पर देख सकते हैं तीन नाइट्रोजन है, एक दो तीन, तो तीन इसके क्या हुआ है, इसके पास क्या है, तीन बाइंडिंग साइट है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसके बाद बात करते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड की। टेट्रा मतलब चार, इसके पास चार बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। ठीक है, तीन इथाइलिन ग्रुप होंगे और चार अमाइन ग्रुप होंगे, एक दो तीन, चार अमाइन ग्रुप है आपके और तीन मॉलिक्यूल आपके इथाइलिन के हैं। चार अमाइन ग्रुप है मतलब चार नाइट्रोजन है, तो चार नाइट्रोजन है मतलब चार बाइंडिंग साइट है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेट। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीडेंटेट के बारे में। ऐसे तो हम बढ़ते चले जाएंगे पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट, तो हम सिंपली क्या करते हैं मल्टीडेंटेट की बात करते हैं, यानी कि चार से ज्यादा की बात करते हैं। तो लिगेंड अटैच्ड टू मेटल आयन मोर देन फोर साइट्स, अगर चार से ज्यादा साइट है मॉलिक्यूल के पास में तो मल्टीडेंटेट का एग्जांपल होगा, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर EDTA। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसकी स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर हमारी पूरी यूनिट या पूरा टॉपिक हमारा बेस्ड है। तो EDTA अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या बोलना चाह रहा है आपको, एक इथाइलिन मॉलिक्यूल होगा, दो अमाइन ग्रुप होंगे और चार एसिटिक एसिड होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो तीन चार आपके एसिटिक एसिड हैं, दो अमाइन ग्रुप है आपके और एक आपका इथाइलिन है। दैट्स वाई इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि साइड ग्रुप का हाइड्रोजन भी आपका बाइंडिंग साइट होगा, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है आपके तो दो बाइंडिंग साइट तो ये हो गई और चार बाइंडिंग साइट आपकी एसिटिक एसिड के पास हो गई, ये हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो चार और दो छह। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है, हेक्साडेंटेट का, बट हम इसको मल्टीडेंटेट में कंसीडर कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर आप लोग याद रखना, बड़े सिंपल है बनानी, इथाइलिन मॉलिक्यूल बनाइए, ठीक है, डाई अमाइन दो अमाइन ग्रुप लगा दीजिए साइड बाई साइड और उन दोनों अमाइन पे दो दो एसिटिक एसिड लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं DTPA। DTPA का फुल फॉर्म होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, मतलब दो इथाइलिन ग्रुप है, तीन अमाइन ग्रुप है और पांच एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगर मैं सिंपल इसी को ही DTPA में कन्वर्ट करना चाहूं तो आपका एक एसिटिक ये इथाइलिन ग्रुप आपका यहां पे आ जाएगा, बीच में एक नाइट्रोजन और बढ़ जाएगा और आपके पांच एसिटिक एसिड, जैसे कि देख भी सकते हैं एक दो तीन आपके अमाइन ग्रुप है और तीनों के साथ आपके जो बाहर की तरफ है ये आपके दो दो एसिटिक एसिड होल्ड करके रखे हैं और बीच वाला एक रखा है क्योंकि इसके तीन बॉन्ड पूरे हो गए, है ना, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है और दो मॉलिक्यूल क्या है आपके इथाइलिन के हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन एक दो तीन चार पांच, यानी कि पेंटा एसिटिक एसिड। अब देख लीजिए यहां पर एक दो
तीन बाइंडिंग साइट नाइट्रोजन की वजह से हो गई और पांच बाइंडिंग साइट आपकी एसिटिक एसिड की वजह से हो गई, यानी कि इस आउटर हाइड्रोजन की वजह से हो गई। तो पांच और तीन आठ, इसके पास आठ बाइंडिंग साइट है, ये ऑक्टाडेंटेट है, ठीक है। लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं मल्टी डेंटेट में। और लास्ट एग्जाम्पल आपका है ईजीटीए, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ईजीटीए इथाइलिन ग्लाइकोन बिस अमाइनो इथाइल इथर टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या है, एक इथाइलिन ग्रुप होगा और ग्लाइकोल ग्रुप होगा, ठीक है, और उस ग्लाइकोल ग्रुप में क्या होंगे आपके दो अमाइनो ग्रुप होंगे, दो इथाइल ग्रुप होंगे और दो आपके इथर होंगे। बिस का मतलब क्या होता है, दो दो अमाइन है, दो इथाइल है, दो इथर है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, एक दो आपके अमाइन हो गए, दो ग्रुप आपके इथर के हो गए, ठीक है, और दो ग्रुप आपके इथाइलिन के हो गए, इथाइल के हो गए सॉरी, ठीक है, एक और दो। और ये जो इथाइलिन है ये बाहर की तरफ आपका हो गया और बाद में ये बात कर रहा है टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी कि चार मॉलिक्यूल आपके एसिटिक एसिड के हो गए। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दो तीन चार तो आपके एसिटिक एसिड की वजह से हो गई बाइंडिंग साइट, पांच नाइट्रोजन, छह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास दो दो है, तो छह दो आठ दो दस, तो दस बाइंडिंग साइट आपके पास हो गई ईजीटीए के। तो ये आपका डेकाडेंटेट हो गया, यानी कि मल्टी डेंटेट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। इस ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में तो ये नहीं आ सकता, लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ईडीटीए का आप लोग अच्छे से स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आगे आपके सामने बहुत बार आएगा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है। जितनी बाइंडिंग साइट है उसके हिसाब से क्लासिफाइड किया है, एक बाइंडिंग साइट है तो मल्टी आपका मोनोडेंटेट है, दो है तो बाइडेंटेट है, तीन साइट है तो ट्राइडेंटेट है, चार साइट है तो टेट्राडेंटेट है, पांच साइट है तो आपका मल्टीडेंटेट है, या छह साइट है तब भी मल्टीडेंटेट में ही आ जाएगा, यानी कि चार से ऊपर सब आपके मल्टीडेंटेट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। देखो बेसिकली आपने यूजुअली देखा होगा कि मैं किसी को नहीं बोलता कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा के लिए कभी टीचर को बोलना नहीं चाहिए। पहले लोग शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देते थे, ठीक है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर टीचर को बोलना पड़ रहा है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलता, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।